सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों उद्घाटन के बाद लुलु मॉल रोजाना किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में है। कभी नमाज पढ़ने को लेकर बवाल हो रहा है तो कभी सुंदरकांड के पाठ को लेकर बखेरा। मंगलवार को परमहंस आचार्य लुलु मॉल के शुद्धिकरण करने पहुंचे तो पुलिस ने उनकी झड़प हो गई। जैसा कि वीडियो में दिख रहा है कि परमहंस आचार्य जब मॉल के शुद्धिकरण के लिए पहुंचे तो पुलिस ने उनका रास्ता रोक लिया। बस फिर क्या था, भगवादारी सर विफर गए और पुलिस कर्मियों को डांट लगने लगा। मौके पर मौजूद एक पुलिस अफसर ने उन्हें रोका तो बोले, दूर खड़े हो, भारत में रहकर भगवा का अपमान। मॉल में उनकी हरकत से अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा हो गया। हालांकि पुलिस ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। परमहंस का कहना था कि मैं भगवा पहने हुए हूँ इसलिए तुम मुझे रोक रहे हो और टोपी वाले को नहीं रोकते। परमहंस ने कहा कि मॉल में नमाज पढ़ी जा रही थी जिसके बाद शुद्धिकरण करना जरूरी था। यहाँ अवैध तरीके से नमाज पढ़ी गई, मैं वेद मंत्रों का जाप कर यहाँ शुद्धिकरण करूंगा। उन्होंने मॉल के बाहर मंत्र पढ़ना भी शुरू कर दिया। पुलिस ने उन्हें अपने साथ ले गई है। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर जल समाधि लेने को ड्रामा करने वाले परमहंस आचार्य लुलु मॉल पहुंचने की खबर मिलते ही पुलिस खासी सतर्क हो गई। कई जवान उनको रोकने के लिए वहां मौजूद दिखे। परमहंस अपने भगवा चोले में उनसे बहस करते दिख गए। पुलिस का कहना था कि किसी को भी मॉल में आसपास या उसके भीतर बखेड़ा खड़ा नहीं करना दिया जाएगा। गौरतलब है कि बीते साल जागरूक परमहंस आचार्य महाराज ने कहा था कि मेरी मांग है कि 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, वरना सरयू नदी में जल समाधि ले लूंगा। हालांकि अयोध्या की तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास की भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर जल समाधि लेने की धमकी कारगर साबित नहीं हुई। प्रशासन ने उनको आश्रम के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया था। आगरा के ताजमहल को लेकर भी इस साल वो खास मुखर दिखे थे। उनका कहना था कि ताजमहल वास्तव में तेजो महाले है। उन्हें वीडियो संदेश जारी कर एक बड़ा ऐलान किया था कि 5 मई को ताजमहल के गेट पर धर्म संसद लगाई जाएगी। उन्होंने अपील की है कि सनातन धर्मावलंबी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे, हालांकि इस बार भी वो अपने मन की नहीं कर सके। दूर खड़े हो, शिष्टाचार आता है नहीं, कैसी बात कर रहे? माने भारत में रह के भगवा का अपमान,